Hello students, in the last video we are done with the statutory features of partnership. Now today's topic is general features of partnership. Statutory mein aapne padha jo aapke Indian Partnership Act 1932 ke provisions the unke according jo features banti hain wo sari features. Ab aapke jo common features hain, general features jo applicable hoti hain aapki partnership mein, wo sari hum yahan pe padhenge. Sabse pehla aata hai unlimited liability. Ye aapne sole ownership mein bhi padha hai. अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स इन केस ऑफ लॉस, अगर आपका जो भी इन्वेस्टेड कैपिटल है वो भी सफिशियंट नहीं है अगर आपके लॉस को फुलफिल करने के लिए, देन योर डोमेस्टिक प्रॉपर्टीज, योर पर्सनल प्रॉपर्टीज कैन ऑल्सो बी गेट क्लेम्ड. कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर भी क्लेम आ जाएगा, आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच करके भी अपना लॉस जो है वो रिकवर करेंगे. तो आपके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि आपका जो लिमिट है वो आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल तक सीमित नहीं होगा, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी वो सारी चीजें आ सकती है. नेक्स्ट, नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी. इसका मतलब है ये सेम वही है जैसे आपकी सोल ओनरशिप में था, यहाँ पे भी यही है कि पार्टनर्स और आपकी पार्टनरशिप अलग नहीं होंगे. पार्टनरशिप की जो भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं वो आपकी अल्टीमेटली पार्टनर्स की ही हैं. ऐसा नहीं होगा कि पार्टनरशिप अलग है और पार्टनर्स अलग है. वो जो आपके पास आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपका एप्लीकेबल होता है, बट सोल ओनरशिप में और पार्टनरशिप में वो एप्लीकेबल नहीं होता है. दैट मींस ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस आर ऑफ द बिजनेसमैन इन केस ऑफ सोल ओनरशिप, and all the assets and liabilities are of the partners in case of partnership. कि partnership की जितनी भी assets हैं वो सब आपकी partners की ही होती हैं. ऐसा नहीं होगा कि partnership firm के नाम अलग चीज़ें और partners की अलग चीज़ें होंगी. Next, utmost good faith. देखिए ये आपके पास आपका एक common feature है कि जब आप किसी के साथ business start कर रहे हो तो आप दोनों पार्टनर्स के बीच में आपका ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है. इतना स्ट्रॉन्ग फेथ कि आप उसके साथ अब फाइनेंशियल मैटर भी आप डील करने वाले हो तो वो आपसे कोई चीज़ ऐसी मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन हाइड ना करे जिससे आपको लॉस हो जाए, ऐसी कोई डील ना करके आए जिससे आपको बताए ना और बाद में आपके ऊपर लायबिलिटीज आ जाए. पार्टनर्स के बीच में अच्छा फेथ होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है. देयर शुड बी अटमोस्ट गुड फेथ आपके पार्टनर्स के बीच में, तभी आपकी पार्टनरशिप है वो रन की जा सकती है. अदरवाइज इट वॉन्ट बी पॉसिबल टू रन योर पार्टनरशिप विदाउट हैविंग अटमोस्ट गुड फेथ अमंग द पार्टनर्स. नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. पहले यहाँ पे मीनिंग जानते हैं इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है. यहाँ पे इंटरेस्ट का मीनिंग है आपका स्टेक, आपका हिस्सा बिजनेस में. यहाँ पे वो ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं है आपका जो आप मैथ्स में पढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. इट्स स्टेक, योर हिस्सा, आपका शेयर, आपका पार्टनरशिप में क्या रेशियो या क्या प्रोपोर्शन बन रहा है, वो सारी चीजें. तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि आपके पास जो भी आपका स्टेक है, जो भी शेयर बनता है आपकी पार्टनरशिप में, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है. वो आप विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स वो किसी और को ऐसे ही नहीं ट्रांसफर कर सकते हो. इस केस को ऐसे समझिए, सपोज मी एंड यू ऑल मेक्स द पार्टनरशिप फर्म, हम लोग 50 पार्टनर्स हैं. नाउ आई एम थिंकिंग कि मुझे इस पार्टनरशिप से क्विट करना है एंड आई वुड लाइक टू गिव टू माई सिस्टर और माई यंगर ब्रदर और टू समवन एल्स हु इज नोन टू मी. नाउ मैं उसको अपना स्टेक विदाउट योर परमिशन, विदाउट योर कंसेंट, आई कैन ट्रांसफर माई स्टेक टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. वो आपके पार्टनरशिप में तभी आ पाएगा जब आप लोगों की कंसेंट होगी. इसका मतलब क्या है, देर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ पार्टनरशिप. आई कैंट सिंपली ट्रांसफर माई स्टेक टू एनी ऑफ द नॉन पर्सनैलिटी और एनी ऑफ द नॉन माई फैमिली मेम्बर, माई फ्रेंड और एनी एक्विटेंस पर्सन. आई नीड योर कंसेंट, योर परमिशन विल बी देयर, देन ओनली न्यू पर्सन कैन स्वैप मी. तो वो चीज़ें क्या हैं, रिप्लेस कब कर पाएगा, जब आप सभी का कंसेंट उसमें शामिल होगा. आप लोगों में से किसी एक ने भी अगर मना कर दिया, आई कांट ट्रांसफर माई स्टेक टू एनी ऑफ माई नॉन पर्सन और एनी ऑफ द न्यू पर्सन हु इज गोइंग टू रिप्लेस मी, तो उसके लिए आपका कंसेंट होना बहुत जरूरी है. तो ये थे हमारे जनरल फीचर्स. नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप हम बना रहे हैं, अब किस किस तरीके की पार्टनरशिप हो सकती है. सबसे पहले आता है जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप. अब देखिए जनरल की जब हम बात करते हैं, जनरल का मतलब एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें सभी पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहेगी. मीनिंग देयर बाय
अगर वो पैसा लगा रहे हैं तो उनका लॉस के टाइम पे उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर भी क्लेम किया जा सकता है. नाउ देयर कैन बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड, मैम हु इज गोइंग टू डू सच वे और सॉरी हु इज गोइंग टू टेक सच स्टेप कि उसमें उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर भी क्लेम आ जाए. तो बेटा जी आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपके अगर आप पर्सनल प्रॉपर्टी को स्टेक पे डाल रहे हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी तो बहुत ज़्यादा होगा. सी अगर हम नेगेटिव साइड को नहीं देखें, पॉजिटिव साइड को अगर हम देखते हैं, तो जब आप रिस्क ले रहे हैं तो रिस्क ऑलवेज फॉलोज प्रॉफिट. अब आपके सॉरी प्रॉफिट ऑलवेज फॉलोज रिस्क. जहाँ जितना ज़्यादा रिस्क है उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा. तब आप स्टेक पे लगा रहे हो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को तो उतना ही ज़्यादा मेजर चंक भी तो आप कमाने वाले हो प्रॉफिट का. तो वो रिस्क आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, तो वो एक सिवियर केस होएगा जब लॉस का, तब आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम आएगा. ऐसा नहीं छोटा सा भी रिस्क हुआ चाहिए घर का टीवी बेच दीजिए, घर का बेड बेच दीजिए, ऐसा नहीं होता है. वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही रेयर केसेस में होता है जब हमें बहुत ही बड़ा अमाउंट का लॉस हुआ हो पार्टनरशिप फॉर्म में. तो जनरल पार्टनरशिप ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी आपकी अनलिमिटेड होती है. नेक्स्ट लिमिटेड पार्टनरशिप. When we talk about limited partnership, ये एक ऐसी partnership रहेगी जिसमें आपके partner की liability जो है वो दो type की है. यानी कि दो type के partners होंगे आपकी limited partnership में. पहला जिसकी limited liability होगी और दूसरा आपके एक ना एक partner तो ऐसा होना ज़रूरी है जिसकी unlimited liability यहाँ पे होगी. तो general में सभी partners की liability unlimited और लिमिटेड में आपके पास पार्टनरशिप में आपके पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी बट देयर शुड बी एटलीस्ट वन पार्टनर हु इज हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी. वो जरूरी है, मैंडेटरी आ जाता है एक पॉइंट. तो एक कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होना जरूरी होगा आपकी लिमिटेड पार्टनरशिप में भी. नेक्स्ट पॉइंट है पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप. ध्यान से देखिएगा वर्ड एट विल. एक ऐसी पार्टनरशिप जो आपने अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग बनाई है, आप जब चाहे उसको वाइंड अप कर सकते हैं. आपका कुछ भी काम था या आपके पास आपके नहीं काम के लिए नहीं सॉरी यहाँ पे आपका डिस्क्रिशन काम करेगा. मेरा मन है मैं लाइफ लॉन्ग चलाऊंगी, लाइफ लॉन्ग चलेगी. मेरा मन है मैं कल ही वाइंड अप कर दूँ, डिसॉल्व कर दूँ मेरी पार्टनरशिप को, कल ही डिसॉल्व हो जाएगी. तो आप मेरा मतलब हम सभी पार्टनर्स का. तो अगर हम सभी पार्टनर्स चाह रहे हैं कि ये लंबे समय तक चले 10, 15, 20, 25 सालों तक, तो वो हमारे पार्टनर्स के विल पे डिपेंड करता है. और अगर हम सब ने मिलकर के डिसाइड किया है कि नहीं हम इस पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर देंगे विद इन 6 मंथ्स, तो हम वैसा भी कर सकते हैं. तो विल पे डिपेंड करता है, डिस्कशन पे डिपेंड करता है पार्टनरशिप एट विल. पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड और एक पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस के लिए बनती है. जैसे वो टाइम पीरियड पूरा हो जाए या वो पर्पस पूरा हो जाए वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी. जैसे रोड कंस्ट्रक्शन का काम, रोड कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया आपको. अब उसमें दोनों चीज़ें, या तो आपके पास 6 महीने का ले लो या रोड कंस्ट्रक्शन का पर्पस मान लो. अगर वो 6 महीने पूरे हो गए तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, या वो रोड कंस्ट्रक्ट हो चुका है तो वो रोड से आपने 4 महीने में बना दिया है तो वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी. जितने भी लोगों ने, जितने भी कंस्ट्रक्शन आपके कॉन्ट्रैक्टर ने पार्टनरशिप की थी, उनकी वो पार्टनरशिप विद दैट पर्टिकुलर कंप्लीशन ऑफ द पर्पस दैट पार्टनरशिप विल गेट डिसॉल्व. तो आपके पास यहाँ पे ये चीजें हैं. तो पार्टनरशिप एट विल मर्जी के ऊपर है पार्टनर्स की, पर्टिकुलर पार्टनरशिप पर्पस या आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करती है. लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप. देखिए कंपलसरी नहीं होता किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बट स्टिल आपको प्रोविजंस तो फॉलो करने पड़ेंगे आपकी पार्टनरशिप के. ये पूरा प्रॉपर आप 12th क्लास के अकाउंट्स में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं पार्टनर्स के ऊपर. आप सारी उसमें न्यूमेरिकल चीज़ें पढ़ेंगे कि आपके पास किस तरीके से पार्टनर एडमिट होता है, रिटायर होता है, किस तरीके से पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है. देयर इज अ पर्टिकुलर 5 चैप्टर्स इन अकाउंट्स आपकी पार्टनरशिप के ऊपर इन 12th क्लास. तो वहाँ पर आप सारी चीज़ें जानेंगे. तो अगर वो रजिस्टर्ड है तो क्या प्रोविजंस हैं, रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या प्रोविजंस हैं. तो सबसे पहली बात, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 तो वो पार्टनरशिप कहलाएगी आपकी लीगल पार्टनरशिप. अगर रजिस्टर्ड है अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, आपका कौन सा एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो वो पार्टनरशिप लीगल कहलाती है. इनकेस आपके पास अगर आपकी वो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है और इनमें से कोई भी कंडीशन है तो वो इलीगल पार्टनरशिप है. सबसे पहली कंडीशन कि आपका जो बिजनेस का पर्पस है वो इलीगल है. आप ड्रग्स में डील कर रहे हो, इलीगल पर्पस है. पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में आप डील कर रहे हो,
तो वो इलीगल है। आप गैर कानूनी काम कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो आपकी इलीगल पार्टनरशिप होगी। नंबर ऑफ पार्टनर्स या तो रिड्यूस हो गए हैं लेस देन टू, या एक्सीड कर गए हैं, जो मैक्सिमम लिमिट थी आपकी 50 उससे एक्सीड कर गए हैं तो भी आपकी इलीगल पार्टनरशिप कहलाएगी। नेक्स्ट, आपका कोई भी पार्टनर आपने एनिमी कंट्री से बना लिया है। सपोज कीजिए अब इंडिया और पाकिस्तान, आप सभी जानते हैं किस तरीके के टर्म्स हैं, इंडिया और चाइना के टर्म्स अगर बिगड़ जाएं और वो एनिमी कंट्री को अगर हम काउंट कर दें, और आपका कोई भी पार्टनर चाइनीज कंपनी से है या चाइनीज कंट्री से, सॉरी चाइना से है, तो उस केस में आपकी जो पार्टनरशिप है ऑटोमेटिकली आपकी इलीगल हो जाएगी। यू हैव टू डिसॉल्व दैट पार्टनरशिप। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आज हमने जनरल फीचर स्टडी किए टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में, जनरल जिसमें सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी, अनलिमिटेड, लिमिटेड में लिमिटेड पार्टनरशिप हो रहे आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी, बट कम से कम एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होना जरूरी है। पार्टनरशिप एट विल में आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग, आपके पार्टनर्स की मर्जी के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप रन होती है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में अ पर्टिकुलर पर्पस या पर्टिकुलर आपके पास आपका टाइम पीरियड। लीगल में सारी चीज़ें एक्ट के अकॉर्डिंग, इलीगल में इनमें से कोई भी कंडीशन आपके होती है तो वो इलीगल पार्टनरशिप होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।